more good hari. I think you must have had a very, very good breakfast this morning. Yes. Because you're all coming very late. So maybe your bellies are very full. But I'm afraid we're going to have to do some work now. Because we're trying to explore what this educational revolution, a movement towards liberation, क्योंकि हमें देखना है कि एक शैक्षणिक क्रांति जो एक मुक्ति की ओर का आंदोलन है इसका क्या अर्थ है? So let's start by thinking a bit about the terms we're using. तो थोड़ा सा उन शब्दों के बारे में सोचते हैं जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं. What do we mean by liberation? तो विमुक्ति इस शब्द से हमारा क्या अर्थ है? We're working towards liberation. तो हम विमुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं. But we need to know what we mean by it if we're to understand what an educational revolution means. लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है अगर हमें ये समझना है कि शैक्षणिक क्रांति क्या है. रहता है इसलिए हम ऐसी चीजों को ढूंढते रहते हैं कि जिसको हम पकड़ कर रख सकें और जिसको पकड़ के हमें लगेगा कि हम सुरक्षित. तो खास करके हम दूसरे लोगों को पकड़ कर रखते हैं. But in the end, they're different. लेकिन अंत में वो अलग होते हैं. They don't do what you want to do always. और हमेशा आप जो चाहते हैं वही बातें वो नहीं करते. One day they die. और एक दिन उनकी मृत्यु हो जाती है. If you haven't died first. अगर आपकी पहले मृत्यु नहीं होती. You can never make anything fixed and permanent in your hands. तो कोई भी चीज जो है आप पक्की और ठोस करके अपने हाथ में पकड़ कर नहीं रख सकते. It's a bit like trying to catch hold of a river. तो ये ऐसा होगा जैसे आप नदी को थाम कर रखने का प्रयास कर रहे हैं. You grab it. तो आप उसको पकड़ते हैं नदी को. Just slips through your fingers. और वो आपकी उंगलियों से फिसल कर चली जाती. You cannot have the river. तो आप नदी को नहीं पा सकते. And a famous Greek philosopher Heraclitus said that you cannot step into the same river twice. तो हेरोक्लाइटस नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रीक तत्ववेत्ता था और उसने कहा था कि एक ही नदी में आप दो बार कदम नहीं रख सकते. He lived about the same time as the Buddha. So interesting. और बहुत ही रोचक बात है कि जो बुद्ध का दौर था उसी दौर में वो भी थे वो दोनों समकालीन. So I step into it once. There's one bunch of water molecules, H2O. तो एक बार मैं उसमें पैर रखता हूँ कुछ पानी की जो बूंदे हैं H2O रहती है वहाँ पर. I step into it again. और मैं उसमें दोबारा कदम रखता हूँ. Completely different H2O molecules. तो पूरी तरह से अलग H2O की बूंदे होती है. Everything is like that. तो हर चीज वैसे ही होती है. And our happiness, our liberation lies in accepting that. और हमारा जो सुख होता है या हमारी जो विमुक्ति होती है इस बात को स्वीकार करने में होती है. It's very difficult to believe it. और इसको मानना बहुत ही मुश्किल. We might understand it here. तो हम उसको यहाँ समझ लेते हैं. But here we still think we can find something permanent. लेकिन यहाँ फिर भी सोचते रहते हैं कि हम ऐसा कुछ ढूंढ लेंगे जो स्थायी है, नित्य है. So our education in pragya consists in getting it right deep down. तो प्रज्ञा में हमारा जो शिक्षण है वो इस बात से संबंधित है कि उस बात को गहरे तक लेकर जाना. Then of course the Buddha pointed out that we believe that there's a permanent I in here. और फिर बुद्ध ने दूसरी बात ये बताई कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे अंदर एक स्थायी स्व है. That there's I who is independent of all the changes that happen to me. तो ऐसा एक मैं है या स्व है जो उस बात से स्वतंत्र है. मतलब बाकी सारी चीजें बदल रही हैं लेकिन ये उससे स्वतंत्र है. इस पर उसका कोई असर नहीं होगा. So try to find that I. तो उस मैं को स्व को ढूंढने का प्रयास कीजिए. Please look for it. उसके लिए जाइए खोजिए. If you find it, come and show it to me. तो अगर आप उसको आपको मिल जाता है तो मेरे पास लाइए मुझे दिखाइए. I've looked everywhere. मैंने हर जगह देखा है. The chair, on top of the chair, there. I can't find it. तो कुर्सी पर नीचे ऊपर यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिला. Where is this I? तो ये मैं
कहाँ होता है? Everything about me is also impermanent. तो मेरे विषय की, मेरे बारे में जो हर चीज़ है, वो भी अनित्य है. Do you have any pictures of yourself as a little baby? तो जब आप छोटे बच्चे थे, तब की क्या कोई तस्वीर आपके पास है? You must have pictures of your mummy holding you, coochie coochie coochie. तो आपकी माँ ने आपको गोद में उठा रखा है और वैसा आपका कोई चित्र होगा, तस्वीर होगी. You were such a beautiful baby. तो आप बहुत ही सुंदर से बच्चे थे. Look at you now. और अभी कुछ चित्रों के लिए. Are you really the same as this little baby here? तो वहाँ पर जो छोटा बच्चा था, क्या वैसे ही आप अभी हैं? There's actually nothing about you now that is the same as that little baby. तो अभी आपके विषय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिल्कुल भी उस छोटे बच्चे की तरह. Oh, you're much better looking now, of course. या हो सकता है अभी आप इससे ज़्यादा अच्छे दिखाई दे रहे हो. But really, you're so different. लेकिन आप बहुत अलग हो. Just like the river, there's no cell in your body that's the same. तो उस नदी की तरह ही आपके शरीर की ऐसी कोई भी पेशी नहीं है जो कोई पेशी है एक जैसी है. Where is this I? तो ये मैं कहाँ है? Yes, there's a continuity of conditions between that little baby and you now. तो निश्चित ही परिस्थितियों की एक निरंतरता बनी रही है उस छोटे बच्चे में और अभी आप जैसे हैं उसमें. But there's no identity. There's nothing there that is not changed. लेकिन समानता ऐसे वहाँ पे कुछ नहीं है. ऐसे कोई भी बात नहीं है जो तब वैसी थी और अभी भी वैसे की वैसे ही, उसमें बदलाव नहीं आया. The Buddha talked of this as anatma. और इसके विषय में बुद्ध कहते हैं कि ये अनात्मा है. Atman is this fixed self, independent of change. तो आत्म का अर्थ होता है ये अलग सा मैं या स्व है जो बदलाव के अधीन नहीं है, जिसमें बदलाव नहीं होता. It doesn't exist. वो अस्तित्व में नहीं है. This is the Buddha's radical insight. और ये बुद्ध की बहुत ही मतलब क्रांतिकारी या परिवर्तनशील ऐसे अंतर्दृष्टि थी. At his time, and it's still the case today, Indian religion was obsessed with Atma. और उनके समय में भी और आज के समय में भी भारतीय धर्म जो है आत्मा की कल्पना से एकदम क्या कहते हैं उनके ऊपर हावी थी कल्पना. But the Buddha said, well, you can't find that Atma. लेकिन बुद्ध ऐसे कहते हैं कि उस आत्मा को आप खोज नहीं सकते. It's just an idea. वो केवल एक कल्पना है. It's a mental construction. वो एक मानसिक रचना है. And because you believe there's an I, it leads you to crave and cling and suffer. तो क्योंकि आप मानते हैं कि मैं ऐसा कुछ है, तो वो आपको तृष्णा के तरफ लेकर जाता है, चीजों को पकड़ कर रखने के लिए तरफ लेकर जाता है, फिर दुख की तरफ लेकर जाता है. So our educational revolution needs to lead us to get free from Atman idea. तो हमारी शैक्षणिक क्रांति ने हमें इस और लेकर जाना चाहिए कि ये आत्मा की जो कल्पना है उससे हम मुक्त हो सकते. And that will be liberation. और वही When we're free from Atman idea, well, we live happily. और जब हम आत्मा की कल्पना से मुक्त हो जाएंगे, तो हम सुख से जिएंगे. We're in tune with the way things are. और चीजें वास्तविक जैसी है, उसके साथ हम बहुत ही अच्छे से रह पाएंगे. Otherwise, it's a bit like walking around in the dark. Yeah? नहीं तो ऐसा कुछ होगा कि बस अंधेरे में हम चल रहे हैं. Yes, the dining room's down there, breakfast's down there. But you don't really know where you're going. You don't know how to get there. लेकिन आप नहीं जानते कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर जहाँ जा रहे हैं कैसे पहुँचना. And you keep bumping into things. You keep hurting yourself. तो आप चीजों से टकराते रहते हैं, अपने आप को चोट पहुँचाते हैं. And you hurt other people. और आप दूसरे लोगों को चोट पहुँचाते हैं. And Buddha said there's another thing we need to realize. और बुद्ध ने कहा कि और एक बात है जिसका अनुभव लेना हमारे लिए आवश्यक है. We think that we can get perfect happiness within this existence. और वो ये है कि हम ऐसा सोचते हैं कि इस अस्तित्व के दौरान हम जो है परिपूर्ण सुख को पा सकते हैं. We think that we can create a set of circumstances which will be perfect. और हम ऐसा मानते हैं कि हम ऐसे कुछ परिस्थितियों का संच निर्माण कर सकते हैं जो कि एकदम परिपूर्ण होगा. And perfect forever.
और वो हमेशा के लिए ही परिपूर्ण बना रहेगा. It can't be the case. Just think about it. लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता. आप सोच के देखिए. It's an illusion. वो एक भ्रम है. It's a mental construction. वो एक मानसिक कल्पना है. You can never arrange conditions so that they give you complete happiness. तो परिस्थितियों को किसी भी प्रकार से आप इस तरह से नहीं रख सकते कि वो आपको पूरी तरह से सुख दे. Those of you who are married, you remember. तो जिनकी आप में से शादी हो चुकी है उनको याद होगा. You really wanted to get married for all sorts of reasons. सभी कारणों के लिए, मतलब हर प्रकार के कारणों के लिए सच में शादी करना चाहते. And you thought when you are married, nirvana. और आपने सोचा कि जब शादी हो जाएगी निर्वाण मिल जाएगा. Well, you may have a good marriage. हो सकता है कि आपकी शादी अच्छी रही हो. But it's not nirvana. लेकिन वो निर्वाण नहीं थी. Still troubles are there. Still problems are there. तो अभी भी समस्याएं उसमें है. You think, oh, when I pass my exams, nirvana. और आप सोचते हैं जब मैं अपनी परीक्षा पास कर लूँगा निर्वाण मिल जाएगा. And वगैरह वगैरह वगैरह. Yeah. But you think, when I retire. और आप सोचते हैं जब मैं निवृत्त हो जाऊँगा सेवानिवृत्त. All problems gone. सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी. But problems never go in this conditioned existence. लेकिन ये जो संस्कारित अस्तित्व होता है, इसमें से समस्याएं कभी भी दूर नहीं होती. And if you seek happiness within this set of conditioned phenomena, you are going to suffer. तो ये जो संस्कारित प्रक्रियाओं से भरा हुआ अस्तित्व है, इसमें अगर आप सुख ढूंढेंगे तो वो नित्य नहीं रहेगा, हमेशा के लिए. Of course you can have some happiness, you can have some pleasure. तो निश्चित ही आप कुछ सुख पा सकते हैं, कुछ आनंद पा सकते हैं. But it cannot last. लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं रह सकता. And always some suffering will come. और हमेशा ही कुछ ना कुछ दुख तो आएगा ही. So the Buddha said we need to really recognize these three signs of conditioned existence. और इसलिए बुद्ध ने कहा कि संस्कारित अस्तित्व के ये जो तीन लक्षण होते हैं या चिन्ह होते हैं, उनको हमें पहचानना आना चाहिए. Yes, they refer to the three lakshana. और उनको त्रि लक्षण ऐसे भी कहते हैं. So it's anicca, anatma, and dukkha. तो ये तीन लक्षण हैं, अनित्य, अनात्म और दुख. And the Buddha says that if we can really see these clearly, we will be free. और बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इन तीनों को वास्तव में देख पाए तो हम मुक्त हो जाएंगे. We won't cling to things. तो हम चीजों को चिपक कर नहीं रहेंगे. So we won't suffer loss. और इसीलिए कोई चीज जब हमसे खो जाती है तो हम दुख में नहीं होंगे. We'll be at peace with the world. We'll be at ease with the world. तो दुनिया के साथ हम शांति से रह सकते हैं, सहजता से रह सकते हैं. So we'll experience a happiness, a bliss that is not connected with conditioned things. और हम उस सुख को या आनंद को महसूस करेंगे जो सुख और आनंद जो है संस्कारित चीजों से जुड़ा हुआ नहीं होता. बाबा साहब talks about this in a letter that he wrote to a friend. और बाबा साहब विषय में बात करते हैं. He said that he early on learned from his father contentment. तो उन्होंने कहा कि बहुत ही पहले से, मतलब बचपन में ही उन्होंने अपने पापा से, मतलब पिता से संतुष्टि के विषय में सीख लिया. Not to be discontented with worldly circumstances. तो दुनिया की जो भी परिस्थितियां होती हैं उससे असंतुष्ट ना होना. And he said that he learned from that that happiness is to be found within us. और उन्होंने कहा कि उसमें से उन्होंने ये सीखा कि सुख जो है वो हमें अपने भीतर ही ढूंढना है. So he was on the journey to the Buddha Dhamma for a long time. और इसलिए वो बौद्ध धर्म की ये यात्रा जो है काफी लंबे समय से कर रहे हैं. So what I've said, I think you can probably all see is true. और जो भी मैंने कहा कि वो शायद आप सभी लोग देख सकते हैं कि उसमें सच्चाई है. You can see that everything's impermanent. आप देख सकते हैं कि हर चीज जो है वो अनित्य है. You can see that there is no permanent self. आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कोई पक्का या स्थाई स्व नहीं है. Maybe if you think about it more, you can see that you can't find permanent happiness in this world. और अगर आप उसमें और भी गहराई से देखते हैं तो आप ये भी देख पाओगे कि इस दुनिया में आप कोई भी जो है स्थाई सुख It's not possible. ये संभव ही नहीं है. But we still act as if there were permanent things. लेकिन फिर भी हम इस तरह से व्यवहार करते रहते हैं कि स्थाई चीजें
अस्तित्व में है. We still act as if there was an I that was permanent. और हम इस तरह से व्यवहार करते हैं कि ऐसा कोई मैं है जो स्थायी है और परिवर्तनशील. We still go looking for complete happiness here in conditioned phenomena. और यहाँ पर संस्कारी जो भी प्रक्रियाएं हैं उसमें हम जो है वो सुख को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं. Even though we know it's not possible. भले ही हम इस चीज को जानते हैं कि ये संभव नहीं है. So how are we going to deal with that? तो फिर इससे हम कैसे निपटेंगे? That's the question. ये एक प्रश्न है. And there's an answer. और इसका उत्तर भी है. I'm going to give you the answer, but you're going to need to think about it. तो उत्तर तो मैं आपको देने वाला हूँ, लेकिन आपको उसके विषय में सोचना पड़ेगा. The Buddha said that the pragna shiksha, that the training in wisdom, has three stages. तो बुद्ध ने कहा कि प्रज्ञा का ये जो प्रशिक्षण है, इसके तीन स्तर होते हैं. The first level is just hearing the teachings. तो पहला स्तर होता है कि आप शिक्षाओं को केवल सुनते हैं. I've been talking to you about the three lakshanas, yeah? तो जैसे तीन लक्षणों के विषय में मैं आपसे बात कर रहा हूँ. So you've heard what I've said. तो मैंने क्या कहा ये आपने सुना है. So you need to make sure that you've understood it in a basic way. तो आपको देखना होता है कि क्या बुनियादी तौर से आपने उसको समझ लिया है जो सुना है. You need to make sure that you've understood what the words mean. तो आपको देखना होता है कि उन शब्दों का अर्थ क्या है, क्या इसको आपने समझा है. At this stage, it doesn't matter whether you believe it or not. तो इस स्तर पे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसमें यकीन रखते हैं या नहीं रखते. Just hear the Buddha's teaching. तो बुद्ध की शिक्षाओं को केवल सुनना है. And especially his teaching about the way things truly are. और खास करके उन शिक्षाओं को जो उन्होंने इस विषय में दी है कि चीजें वास्तविक रूप में कैसी हुई. This is called the prajna that consists in hearing. तो इसे कहते हैं वो प्रज्ञा जिसका संबंध सुनने से है. श्रुतमय प्रज्ञा. तो श्रुतमय प्रज्ञा. So we need to listen to what the Buddha is teaching. तो बुद्ध की जो भी शिक्षाएं हैं उनको सुनने की हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है. And then when we've heard it, we need to reflect on it. और जब हम उन्हें सुन लेते हैं तो उसके ऊपर हमें चिंतन करना होता है. We need to do चिंतन माय प्रज्ञा. तो हमें चिंतन में प्रज्ञा करनी होती है. The wisdom that consists in thinking. तो वो प्रज्ञा जो चिंतन में या सोच विचार में समाई. So I said everything's impermanent. तो मैंने कहा कि हर चीज अनित्य है. You've heard that. आपने उसे सुना है. You know what the words literally mean, conceptually. और उन शब्दों का अर्थ आपको मालूम है, उन संकल्पनाओं को आप जानते हैं. Is it true? तो क्या ये सच है? Think about it. तो उसके विषय में सोचिए. Test it. उसकी जांच कीजिए. Test it critically. और चिकित्सक रूप से उसकी जांच कीजिए. The traditional way is you actually look for something that might be permanent. तो पारंपरिक रूप से आप नमो बुद्धाय. I think you must have had a very very good breakfast this morning. Because you're all coming very late. So maybe your bellies are very full. But I'm afraid we're going to have to do some work now. Because we're trying to explore what this educational revolution, a movement towards liberation, क्योंकि हमें देखना है कि एक शैक्षणिक क्रांति जो एक मुक्ति की ओर का आंदोलन है इसका क्या अर्थ है. So let's start by thinking a bit about the terms we're using. तो थोड़ा सा उन शब्दों के बारे में सोचते हैं जिन शब्दों का हम उपयोग कर रहे हैं. What do we mean by liberation? तो विमुक्ति इस शब्द से हमारा क्या अर्थ है. We're working towards liberation. तो हम विमुक्ति प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं. But we need to know what we mean by it if we're to understand what an educational revolution means. लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उसका अर्थ क्या है अगर हमें ये समझना है कि शैक्षणिक क्रांति क्या है. So we need to understand what we mean by liberation. तो हमें इस बात को समझना है कि विमुक्ति का अर्थ क्या है. Well, you can only understand what you mean by liberation if you understand what you mean by its opposite. तो विमुक्ति
मुक्ति को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसका विरोधी जो शब्द है उसको समझे. Liberation from what? तो विमुक्ति लेकिन किस चीज से मुक्ति? Well, in a single word, the Buddha Dhamma tells us it's liberation from suffering. तो एक शब्द में बौद्ध धर्म हमें ये बताता है कि वो जो है दुखों से मुक्ति है. But of course, there's suffering in many different forms. लेकिन दुख जो है उसके कई प्रकार होते हैं. There's slavery, there's bondage in a social sense. तो सामाजिक तरह से एक तरह से गुलामी होती है, बंदी होते हैं हम किसी चीज के. We know all about that because of the caste system. और जाति व्यवस्था की वजह से हम सभी को इस विषय में पता है. There's bondage in many other senses too. और दूसरे अनेक प्रकार के भी बंधन होते हैं. And the bondage of personal bondage is very strong. और हमारे जो वैयक्तिक बंधन होते हैं वो बहुत ही सशक्त होते हैं. Our suffering is constantly with us all through our lives. और हमारे दुख जो पूरे जीवन तक हमारे साथ ही चलते रहते हैं. So it's in the end it's suffering that we need to be free from. तो अंत में दुखी होते हैं जिनसे हमें मुक्त होना होता है. Whether that suffering is social or personal. तो भले वो दुख जो है वो सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो. What we're looking to is liberation from that suffering. तो हम क्या देख रहे हैं कि उस दुख से मुक्त होने की बात. So what is it that binds us to that suffering? तो वो कौन सी चीज है जो हमें उस दुख के साथ बांध कर रखती है? Well, the Buddha teaches us that in the end, what causes our suffering is our ignorance. तो बुद्ध कहते हैं कि अंत में जो चीज हमारे दुख को निर्माण करती है वो है हमारा अज्ञान. Because we don't understand the way things really are, we suffer. क्योंकि चीजें वास्तविक किस प्रकार की है, उनका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये हम नहीं जानते, इसलिए हम दुख में होते हैं. Because we don't understand the way things really are, we cause suffering to others. क्योंकि हम चीजों के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए हम दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं. It's not just that we don't understand, we've got false ideas about what the way things really are. तो बात सिर्फ इतनी ही नहीं कि हम उसे नहीं समझते, लेकिन जो वास्तविकता है उसके विषय में हमारी जो कल्पनाएं हैं वो भी झूठी है. And these false ideas cause us to suffer, and they lead us to cause others to suffer. और ये झूठी कल्पनाएं जो हमारे लिए दुख निर्माण करती है और ये दूसरों के लिए भी दुख निर्माण करती है. And we've got such a lot of false ideas about things. और बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में हमारी कल्पनाएं झूठी होती हैं. For instance, we're all so familiar with the false idea of caste hierarchy. उदाहरण के तौर पे एक झूठी कल्पना से हम सभी लोग परिचित हैं और वो है जाति की व्यवस्था. But millions of people in India believe this is the way things really are. लेकिन भारत के लाखों लोग इस बात को मानते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी है, चीजें ऐसी ही हैं. They look at other people through caste spectacles. और जाति के चश्मे से ही वो दूसरे लोगों की ओर देखते हैं. This false understanding, this ignorance dominates their minds. और ये जो झूठी समझ है, ये जो अज्ञान है, ये उनके मन पर हावी होता है. And we've got all sorts of false ideas. और बहुत सारे प्रकार की झूठी कल्पनाएं हमारे पास. And they lead us to suffer. और वो हमें दुख तक ले जाती है, हमारे लिए दुख निर्माण करती है. False idea of caste leads everybody to suffer. और जाति की जो झूठी कल्पना है वो सभी को दुख तक लेकर जाती है. Those who are, as it were, the bottom of that system, they suffer very obviously. तो उस व्यवस्था में जो सबसे नीचे है वो लोग दुख भोगते हैं. But those at the so-called top of that hierarchy, they also suffer. लेकिन उस व्यवस्था में जो ऊंचे स्थान पर है वो भी दुख में होते हैं. They suffer from insecurity. तो वो असुरक्षितता का दुख भोगते हैं. All the time they're worried that those lower down will rise up and take their privilege. तो सारा समय उनको ये चिंता लगी रहती है कि जो ये निचले लोग हैं वो उठ के खड़े हो जाएंगे और उनके जो भी अधिकार या सुरक्षितता है उनको छीन लेंगे. Caste destroys human solidarity. तो मानवीय एकात्मता जो है उसको जाति नष्ट कर देती है. So that means we see other people as enemies, as other. और दूसरे लोगों को हम शत्रु है या दूसरे लोग हैं इस तरह से देखते हैं. So this idea colonizes the mind and dominates our attitudes. तो ये कल्पना जो है हमारे मन में घर कर लेती है और हमारी जो
प्रवृत्ति आए उस पर हावी हो जाता है एंड ऑफ कोर्स रिलीजन इज फुल ऑफ फॉल्स आइडियाज और धर्म जो है पूरी तरह से झूठी कल्पनाओं से भरा पड़ा है फॉर इंस्टेंस द रिलीजन आई वाज ब्रॉट अप विद टॉट दैट गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 6 डेज उदाहरण के तौर पे जो धर्म मेरा जन्म हुआ था वो ये सिखाता था कि ईश्वर ने 6 दिनों में जो है वो दुनिया का निर्माण कर डाला था क्रिएटेड दिस वर्ल्ड इन 6 डेज तो ये दुनिया उसने 6 दिन में निर्माण कर दिया वेरी फास्ट वर्कर बहुत तेज से काम करने वाला बट इट हैज टू बी सेड ही वाज वेरी टायर्ड आफ्टर दिस और फिर ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करके वो बहुत थक गया था सो द 7th डे ही रेस्टेड और इसलिए 7वें दिन उसने आराम किया एंड दैट्स व्हाट संडे इज और इसलिए वो संडे है रविवार संडे इज द डे दैट गॉड रेस्टेड रविवार या इतवार वो दिन है जिस दिन ईश्वर ने आराम किया था आई एम नॉट जोकिंग दिस इज व्हाट पीपल बिलीव मैं मजाक नहीं कर रहा हूं लोग इस बात को मानते हैं रियली इज व्हाट पीपल बिलीव और वास्तव में ये वो बात है जिस पे लोग विश्वास रखते हैं यू आर लाफिंग आप हंस रहे हैं बट पीपल टेक इट डेडली सीरियस लोग इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हैं द पार्ट ऑफ ब्रिटेन वेयर आई लिव अंटिल क्वाइट रिसेंटली ऑन संडे नोबडी वाज अलाउड टू डू एनीथिंग तो ब्रिटेन के जिस हिस्से में मैं रहता था वहाँ पे हाल तक मतलब इतवार के दिन या रविवार के दिन किसी को भी काम करने की इजाजत नहीं थी My doctor told me that when he was a child, he wasn't allowed to play on a Sunday. और मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तब उनको इतवार के दिन खेलने भी नहीं दिया जाता था Because God was resting. I don't know, maybe they believed that if you started playing, you'd wake God up. People really believe this. And when they saw what Darwin showed, they didn't believe it. When geologists first began to show the fossil record, they wouldn't believe it. तो जो भूशास्त्रज्ञ थे उन्होंने जो मतलब अवशेष दिखाए जानवरों के या पुराने तो उन्होंने उनको नहीं माना सो दिस इग्नोरेंस इज फॉल्स आइडियाज आर वेरी इमोशनल तो ये जो अज्ञान है या जो झूठी कल्पनाएं हैं भावनिक रूप से बहुत सशक्त होते हैं वेरी डीपली हेल्ड देयर इज अ लॉट ऑफ इमोशन बाउंड अप तो बहुत गहरे हमारे अंदर वो बसी हुई होती है और बहुत सारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी होती हैं I see in Hungary the attitude that white people have towards the gypsies. तो हंगरी में मैंने देखा है कि किस प्रकार का दृष्टिकोण जो है सफेद लोग हंगेरियन लोगों के प्रति रखते हैं The gypsies will look like you. तो जो जिप्सी लोग हैं वो आप ही की तरह दिखाई देते हैं They're your cousins. तो वो आपके चचेरे ममेरे भाई हैं They came from India. और वो भारत से ही आए हुए लोग हैं Genetically their closest connection is with scheduled caste people from the Ganges area. तो अनुवांशिक रूप से अगर उनको देखा जाए तो गंगा के आसपास किनारे पे बसने वाले जो लोग हैं उनके साथ वो संबंधित हैं तो वो वैसे ही दिखते हैं गहरे रंग की उनकी त्वचा है वैसे ही उनके बाल है वैसे So the white people, not all, many believe that they're inferior. और इसीलिए ये जो गोरे लोग हैं, सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मानते हैं कि वो जो है निचले स्तर के हैं उनसे. They're genetically programmed to be thieves. Yeah. और वो जो है अनुवांशिक रूप से ही उनकी रचना इस प्रकार से की गई है कि वो चोर उचक्के होते हैं. They really believe this, yeah? और वो वास्तव में इस बात पर यकीन करते हैं. And that means that they act in a certain way. और इसका अर्थ होता है कि वो उनके साथ एक विशिष्ट स्वरूप से व्यवहार करते हैं. These beliefs which are stupid. और ये सारे विश्वास जो बहुत ही बेवकूफी से भरे हुए. Because they're not our beliefs, we can see they're very stupid. और क्योंकि वो हमारे विश्वास नहीं है इसलिए हम देख सकते हैं कि वो विश्वास जो है बहुत ही बेवकूफी बने मूर्खतापूर्ण यू ट्राई टू से टू A racist white Hungarian. No, gypsies are just like you. और कोई वर्णभेद मानने वाला जो सफेद हंगेरी का निवासी है उसको अगर आप बोलेंगे कि नहीं जिप्सी लोग बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है वो say it and run away. तो बस ऐसा बोलो और वहां से भाग जाओ They don't want to hear it. क्योंकि वो उसे सुनना नहीं चाहते They don't want to hear it from another white person. या दूसरा कोई गोरा
व्यक्ति या सफेद व्यक्ति उनसे कहता है तो उससे भी वो सुनना नहीं चाहता। So you see, these are deep and very emotional. तो आप देख सकते हैं कि ये जो दृष्टिकोण है जो हम बनाए रखते हैं वो बहुत गहरे होते हैं और बहुत भावनिक रूप से उससे जुड़े हुए। Often no evidence will shift the attitude. और अक्सर कोई भी सबूत आप सामने रख दो वो उस दृष्टिकोण को बदलता नहीं। I read recently that some tests had been done on attitudes to gun, citizens having guns in America. तो मैंने हाल ही में एक संशोधन के विषय में पढ़ा था। संशोधन इस विषय पे हुआ था कि जो नागरिक है ब्रिटेन में और वो जो बंदूक रखते हैं अपने पास उनको देखने का नजरिया कैसा लो। This is in the United States of America. और ये जो है अमेरिका की बात है, संयुक्त राष्ट्र की बात। And it can be proved that where you do not have guns, there's less murder. और ये बात साबित हुई है कि जहाँ पर आपके पास बंदूकें नहीं होती है उस क्षेत्र में खून या हत्या होने की संभावनाएं कम होती है। There's less suicide. और वहाँ पर आत्महत्याएं भी कम होती है। But you tell somebody who believes in having a gun that he won't believe you. लेकिन जिसके पास बंदूक है और उसको अगर आप ये बात बताते हैं तो वो आपके ऊपर यकीन नहीं करेगा। You can show him all the research and there's lots of research. तो बहुत सारा संशोधन आप उनको दिखा सकते हैं, बहुत सारा हुआ भी है। He won't believe you. लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपकी बात नहीं मानेगा। Maybe he'll shoot you. हो सकता है वो आप पे ही गोली चला दे। But you get my point. Ignorance is very strong, very emotional. लेकिन आप देख सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा जो अज्ञान होता है बहुत ही सशक्त होता है और बहुत ही भावनिक होता है। It's easy to see other people's wrong ideas. तो दूसरे लोगों की जो भी गलत धारणाएं या कल्पनाएं उसको देखना आसान होता है। Much more difficult to see our own. लेकिन अपनी खुद की देखना बहुत मुश्किल होता है। So it's something to ask ourselves, what ideas do we have that are false? तो इसलिए अपने आप को पूछना भी अच्छा रहता है कि वो कौन सी कल्पनाएं या धारणाएं मैंने खुद की भी बना रखी है जो कि झूठी है। To what extent do we actually see things as they are? और किस हद तक हम चीजों को उसी प्रकार से देखते हैं जिस प्रकार से वो है वास्तव में। This is one of the Buddha's most important ideas. और ये बुद्ध की महत्वपूर्ण कल्पनाओं में से एक है। We have these wrong views, mitya, mitya drishti. तो हमारे पास ये गलत धारणाएं होती है हमारी जिसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं। And there are all sorts of different levels. और उसके भी बहुत अलग अलग स्तर होते हैं। But they're not just ideas, they're emotional attitudes. लेकिन वे केवल कल्पनाएं नहीं होती है, वो हमारी भावनिक प्रवृत्तियां भी होती है। And if we want an educational revolution, it's got to address these fundamental ideas. और अगर हमें शैक्षणिक क्रांति करनी है तो ये जो बुनियादी कल्पनाएं हैं इसकी और भी हमें देखना होगा। Of course, Baba Sahib is very, very clearly aware of this. और निश्चित ही बाबा साहब इस विषय में बहुत ही स्पष्ट रूप से सजग थे। In a way, I'm only saying what he said in Annihilation of Caste. और एक तरह से Annihilation of Caste, जातिभेद निर्मूलन में उन्होंने जो कहा है वही मैं दोहरा रहा हूँ। He was pointing out that caste is just a mithya drishti. और वो ये संकेत दे रहे थे कि जाति एक मिथ्या दृष्टि है। There's no way you can prove the existence of caste. और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिस तरीके से आप जाति का अस्तित्व सिद्ध कर सको। And there are plenty of ways in which you can prove that it's just an idea. और बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि ये केवल एक कल्पना है। If a Joshi needs blood, तो अगर किसी जोशी को खून की आवश्यकता है, a Kamble's blood will do. तो कामले का खून चल सकता है। If it's the right blood group, it'll do. तो अगर उसी गट का वो खून है, तो वो खून चल जाएगा। There's not Brahmin blood and other blood. तो ब्राह्मण खून और दूसरा खून ऐसा नहीं होता। Blood is blood. खून खून होता है। It's just the blood group. और खून की केवल अपने गुट होते हैं। So you know, there's no way you can prove caste is in some way part of the way things really are. और ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे आप साबित करो कि जाति जो है चीजों की वास्तविकता का एक हिस्सा है। A while ago, I met with one of the top Tibetan lamas. तो कुछ समय पहले बहुत ही बड़े से टिबेटियन लामा हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। Some of them were very, very positive about our movement.
तन तन पहुंचे और बहुत ही सकारात्मक है वो हमारे आंदोलन को लेकर The local metro Kumarajiva and I and others went to talk about Dr. Ambedkar to top तो लोग मित्र मैं और कुमार जी और कुछ और लोग जो है ये जो बड़े टिबेटियन लामा है इनसे मिलने के लिए गए थे बाबा साहब के बारे में बातचीत करने So Kumarajiv asked Dhammachari, well, what about caste? Does Buddhism accept caste? कुमार जी ने सामना में पूछे को पूछा कि जाति के विषय में क्या और क्या बौद्ध धर्म जाति को मानता है? He looked a bit puzzled. और वो बहुत ऐसे संभ्रम में नजर आए How can Buddhism accept caste? और उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म जाति को कैसे स्वीकार करता है या मान सकता है? Caste is just a mental construction. क्योंकि जाति जो है केवल एक मानसिक रचना है मन द्वारा निर्मित रचना You can't touch it, you can't feel it. तो आप उसको स्पर्श नहीं कर सकते आप उसके एहसास को महसूस नहीं कर सकते You can't in any way prove caste. और किसी भी तरह से आप जाति को साबित नहीं कर सकते People believe it very strongly. लेकिन फिर भी बहुत ही सशक्त रूप से लोग उसको मानते हैं They can kill for caste. और जाति के लिए वो खून बहा सकते हैं खून कर सकते But it's nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं है So Baba Sahib said, well, it's just an idea, a mental construction. तो बाबा साहब ने कहा कि वो केवल एक कल्पना है मानसिक रचना है It's very interesting. There's an important Buddhist shastra. Called the Vajrasuchi. और बहुत ही महत्वपूर्ण एक बौद्ध शास्त्र है और जिसका नाम है वज्रसूची by Ashvaghosha. और जिसको अश्वघोष ने लिखा है he proves dialectically philosophically that can't be such a thing as caste और शब्दों के माध्यम से तत्वज्ञान के माध्यम से वो ये बात साबित करते हैं कि जाति कोई नहीं सकती but people believe in it very strongly लेकिन फिर भी बहुत ही सशक्त रूप से लोग उसमें यकीन रखते हैं उसको मानते हैं so Baba Sahib says that There has to be a reform of the mind. और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि फिर मन में सुधार की आवश्यकता है। The mind creates this idea. तो मन इस कल्पना को निर्मित करता है। But he says, what mind creates, mind can undo. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मन जिस चीज की निर्मिति करता है, मन ही उस चीज को नष्ट भी कर सकता है। So that's why in the end he rejected the old religion and chose Buddhism. और इसीलिए यही कारण है कि अंत में उन्होंने पुराने धर्म को नकार दिया था और बौद्ध धर्म का स्वीकार किया Because the Buddha Dhamma teaches us how to get rid of these false ideas. क्योंकि बौद्ध धर्म हमें ये सिखाता है कि हम इन झूठी कल्पनाओं से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं And this brings us on to the final stage of our investigation of education from a Buddhist point of view. और बौद्ध दृष्टिकोण से शिक्षा क्या है इसके अन्वेषण के अंतिम चरण तक फिर ये बात हमको लेकर आती है। But I need to say a little bit more about these mithya drishti. लेकिन इन मिथ्या दृष्टियों के बारे में मुझे और थोड़ा कुछ कहना है। These wrong ideas that enslave us. तो ये जो झूठी कल्पनाएं हैं वो हमें गुलाम बना देती हैं। That affect our human relationships. वो हमारे मानवीय संबंधों को प्रभावित करती हैं। And that affect our way of acting in the world. और हमारा जो दुनिया में व्यवहार होता है उस व्यवहार को भी ये प्रभावित करती हैं। So far I've talked about them mainly in terms of more expressed attitudes. तो अब तक जो मैंने बात की थी वो उसके विषय में थी कि जो हमारी प्रवृत्तियां होती हैं और जिसको हम बाह्य रूप से अभिव्यक्त करते हैं। But the Buddha teaches us that actually our misunderstanding is far deeper than that. लेकिन बुद्ध ये कहते हैं कि हमारी जो गलत फहमियां होती है वो उससे भी बहुत ज्यादा गहरे तक उतरी हुई होती है। We, according to him, we completely misunderstand what this life is. तो उनके अनुसार हम पूरी तरह से इस बात को ही गलत समझे हुए हैं कि जीवन क्या होता है। We think that we can find something permanent in this life. तो हमारी ऐसी सोच होती है कि इस जीवन में हम स्थाई ऐसा कुछ पा सकते हैं But we can't. लेकिन हम नहीं पा सकते Everything is impermanent. तो हर चीज जो है वो अनित्य है बदलने वाली है Absolutely nothing you can find anywhere that remains unchanged. तो कहीं पर भी कोई भी चीज आप ऐसे नहीं ढूंढ सकते जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं होगा You can't find, for instance, God, who is unchanging. धारण के तौर पे ऐसा कोई ईश्वर आप नहीं ढूंढ सकते कि जिसमें बदलाव नहीं हो No way can you find anything.
कहीं पर भी आप कुछ भी नहीं ढूंढ सकते। I challenge you. मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। Find something permanent. तो कुछ स्थायी ऐसा मुझे ढूंढ के दीजिए। Think, look around you. तो सोचिए, अपने आसपास देखिए। Is there anything permanent anywhere? तो क्या कहीं ऐसी कोई चीज है जो अपरिवर्तनशील है, स्थायी है? You might say, well, what about this mountain? तो आप कहोगे इस पर्वत के विषय में क्या? But this mountain wasn't here several thousand years ago. तो कुछ हजार साल पहले ये पहाड़ यहाँ पर था ही नहीं। It was formed by a great flow of lava from the center of the earth. तो पृथ्वी के केंद्र से बहुत लावा बहा था और उस लावा के बहने से जो है ये पहाड़ निर्मित हुआ था। And in a few thousand years it had worn away completely. और कुछ हजार साल के बाद ये पूरा घिस के नष्ट भी हो जाए। Stars are born, stars die. तो सितारे उनका जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। Even astrophysicists tell us the whole visible universe was born in the Big Bang. तो शास्त्रज्ञ जो सितारों का वगैरह अभ्यास करते हैं, ग्रह तारों का, वो कहते हैं कि ब्रह्मांड भी जो है वो निर्मित हुआ है, नष्ट हो जाएगा। One day it will die. और एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। Our sun one day will burn up. और हमारा सूरज जो है वो भी एक दिन जलकर पूरा खाक हो जाएगा। There's nothing permanent anywhere. और कहीं पर भी कुछ भी चीज अपरिवर्तनशील नहीं है या स्थायी नहीं है। But we carry around the idea that we can find something permanent that we can rely on. लेकिन हम इस कल्पना को लेकर चलते हैं कि ऐसे कोई स्थायी चीज हम ढूंढ लेंगे जिसके ऊपर निर्भर रह सकते हैं। If we could really understand that everything is impermanent, we would be free. और अगर हम वाकई में इस चीज को समझ लेंगे कि हर चीज जो है अस्थाई है, तो हम मुक्त हो जाएंगे। But because we don't really deeply believe that, we continue to hold on to things that we think will make us